हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का चेक इन कर रहे हैं हम कुशागर मागो की बड़ी दीदी के घर पे, जो बैंगलोर में उन्होंने नया घर लिया है। तो दीदी की हाउस वार्मिंग है, एक और रीज़न है मेरा बैंगलोर आने का। तो मैं चाहता था मैं दीदी का नया घर देख लूँ, कुशागर ने मुझे इन्वाइट किया था तो उसके लिए मैं आ गया हूँ। एक्चुअल हाउस वार्मिंग हुएगी जब मैं कैनेडा जा रहा हूँगा, बट मैं थोड़ा पहले देख लूँगा। और सुपर एक्साइटेड टू सी दीदीज प्लेस एंड मीट आंटी एवरीबडी। अंकल इज ऑल्सो हेयर फ्रॉम चंडीगढ़, सो एवरीवन इज हेयर। बेसिकली ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग छुप गई है और ऊपर। हाँ, काफ़ी सही सोसाइटी लग रही है। द लिफ्ट इज दिस साइड। कुछ आगे बता रहा था कि घर है 25th फ्लोर पे। आ गए हमारे ब्लॉगर भाई साहब, हमारे नेचुरल ब्लॉगर के सिर्फ के अंदर। कैसे? बहुत बढ़िया। वहाँ मेरे फैंस। ओ माय गॉड, फैंस। यहीं से घेर दो तेरे को भाई। ओ शिट, मेरे को सच्चे मेरे हाथ कांपने लगे थोड़ा एकदम। गाइस एक सेकंड के लिए वो छोड़ो भाई साहब। 26 फ्लोर्स है और मुझे हाइट से काफी ज्यादा डर लगता है, काफी ज्यादा। तो बिल्डिंग ही कंप्लीट हो रही है अभी। है पोसाइडन से ये पता लग गया है, ये बिल्डिंग ही कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़े थोड़े घर किसी ने नहीं लिए तो वो रेनोवेट करते हैं। अच्छा, सही। ओ नाइस। सो गाइस ये घर है, मिस्टर मागो आराम से बैठ के नज़ारे लेते हुए। ओहो मेरे चैंडलर जोई। गाइस बाकल लॉन्जर्स लेजी बॉयज। और ये व्यू है सामने, यार अलग ही हवा चल रही है इस फ्लोर पे। 24th या 25th? 25th का। हे गाइस, तो तैयार हो गए, कुशागर के घर से निकल लिए। अब हम आए जोत और सचदेवा से मिलने। सचदेवा से भी आपको मिलाता हूँ मैं। सचदेवा भी बहुत स्वीट है, वो भी बैंगलोर में था। मिस्टर मागो लेके आए हैं आयरन हायो। भाई क्या जगह है ये? आज फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियां का है, काफी है। गाइस काफी सही जगह लग रही है ये। कैसे भाई रोजी, आपका गिफ्ट क्या हो गया ऐसे? ओ भाई स्प्रिंग रोल रोड के। लव यू भाई, लव यू। स्प्रिंग रोल नहीं है, कौन चीज रोल है, पर ठीक है। अच्छा स्प्रिंग रोल है, कौन चीज है? इवन बेटर ब्रो, ये देखो खा। कुशाग्र अभिषेक जोत भाई, अगर तूने एडिट आउट कर दिया तो देख लियो, ठीक है? तेरे पहले व्लॉग में फीचर हो रहा हूँ मैं भाई। इसने दिल्ली में बहुत स्क्रीन लगाई है, पूरा दिल्ली का परिवार, सचदेवा परिवार बैठ के देखने वाला है। बता दी इसको, मैंने ऑलरेडी मेरे फैमिली को दिखाया है। YouTube में कब एयर होगा? मैं बताया तो मेरी फैमिली को मैंने दिखाया, उसको सबको दिखाया मैंने इसको। पता लगे सचदेवा बैठे सीख कर के सोचे, बस इतना ही आया मेरा। सचदेवा काम करता है मिंत्रा में। ये तेरा डेब्यू हो रहा है यूट्यूब पे, ये इसका डेब्यू हो रहा है यूट्यूब पे। सो पार्टी पूटी हो गई है, रात के बज रहे हैं 3, अब हम घर वापस आ गए हैं। और मैंने कुशाग्र ने डिसाइड किया, इसकी इतनी सुंदर सोसाइटी है, इसका गेड़ी मारेंगे यार। गाइस ये सोसाइटी का ऐसा लग रहा है कहीं रिजॉर्ट में घूमने आए हैं। मतलब सीन देखो क्या बनाई हुई है सोसाइटी, काफी सुंदर बनाई है, बहुत अच्छी, मुझे तो बड़ा मजा आता है। वही नीचे जाके ऐसे आ रहा बड़ा स्विमिंग पूल है इनका, प्रीटी फैंसी काकू। गाइस एक और बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, यहाँ पे सारा फ्रिज वगैरह है, बिग बास्केट वगैरह का, तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो पेमेंट वगैरह करके, और एक्सचेंज और रिफंड वगैरह नहीं होगा कुछ भी।
और ले सकते हो, 24 आवर्स अवेलेबल है। बढ़िया यार सोसाइटी के हिसाब से। पार्टी बना रहे खाना अवेलेबल है। तो हम यहाँ बैठ के खाएंगे गाइस। बेस्ट फीलिंग आती है इस साइड की। ये मेरे ख्याल से खुलेगा कैसे? हाँ ये सारा खुल जाता है, जो ये ना ये सारा पीछे हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये ब्लाइंड ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई पिलर नहीं है, ये और पीछे हो जाता है और ये वाला भी पूरा। तो ये एकदम से बाहर की फीलिंग आती है। भाई सब बना रहे हैं मेरे लिए बूंदी वाली घी। क्या बात है, देखती हूँ आगे। चलो देखो तो कोई भी नहीं। चल बाय, ठीक है, बहुत बहुत शादी, मिलते हैं। सिक्योरिटी चेक इन की बारी आ गई है। टटटंग, कुछ भी हो जाए हर बार की तरह मेरा माइक जरूर अटकता ही अटकता है। और चलो आ गया है बात, मतलब आप लोग ये लगा लो मेरा माइक और मेरा इंस्टा 360 हर बार रुकता ही रुकता है, क्योंकि ये ना इतना कॉमन नहीं हुए तो लोगों ने देखने ज़्यादा शुरू नहीं किए, तो हर बार ही बोलते हैं भाई ये क्या है ये बता दो। बट एनीहाउ लॉन्च ढूंढते हैं और खाना पीना खाते हैं। बैंगलोर एयरपोर्ट इज सो नाइस। सो खाने में कर्ड, रायता, बेक समोसा, चाट सब कुछ है, एवरीथिंग इन 2 रुपीज। सूप इज देयर, ब्रेड इज ऑब्वियसली देयर, देन सम जूसेस, आम पन्ना इज देयर, वाइट पास्ता, नूडल्स, खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, मशरूम, वेजिटेबल बिरयानी, पोटैटोस, चिकन। अब अगर मेरी फ़्लाइट होती जो इंटरनेशनल होती तो उसमें यहाँ पे दारू भी मिलती, ऑप्शन है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट डोमेस्टिक है तो मेरे को पे करके दारू लेनी पड़ेगी। केसर फिरनी भी है और कुछ लाइव काउंटर्स भी हैं, वो चेकआउट करते हैं कि क्या है। रागी डोसा, मीन फ्रेश डोसास, बेस्ट बात है, ये लोग फ्रेश चाट बना रहे हैं यार, सबसे अल्टीमेट चीज़ है। और मैंने लाइव काउंटर्स कबाब के कभी नहीं देखे, स्पेशली ऑन दीज लाउंजेस, बेस्ट चीज़ है। एंड टू सैड दैट आई एम वेजिटेरियन नाउ। दोस्तों चंडीगढ़ लैंड कर गया हूँ, बापू आ गए थे मेरे को लेने के लिए। और क्या उसने फ्लाइट लैंड करवाई गाइस, पायलट ने मतलब पता भी नहीं चला कि फ्लाइट लैंड हुई है। सबसे ज्यादा स्मूथ, मतलब जो बापू ने अभी ब्रेक मारी ना जोर की, उससे सही उससे फ्लाइट उठा। बीच में उसने कहा कि टर्बुलेंस आएगी बट फील नहीं, मतलब मस्त। वाह, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है आखिरी दिन मेरा इंडिया में। Yes, पता भी नहीं चला इतना सारा टाइम कब निकल गया, और काफी अजीब फीलिंग आ रही है अभी। हेलो जीजा जी, जीजा जी मेरी फेयरवेल पे आए हुए, जो अपना बिजी टाइम में निकाल के आए हैं, वरना कभी घर पे नहीं आते। वो रही मेरी सबसे बड़ी व्लॉगर घर की। ओह ओह, मम्मा खाना बना रहे हैं। मम्मा हेलो कह दो। हाय गाइस, आज हमारा क्या चुका सेकंड लास्ट डे है, कल वो जाएगा लास्ट ही। मम्मा अब तो घर पे, लास्ट नाइट है, कल तो निकलना है दिल्ली। बापू हेलो, आज हम टलिएंगे, बुरा करेंगे सारे दिन। ये देखो जैसे लास्ट टाइम करा था, हम सेंटी इतने हो गए थे। आज तू घर नहीं जाने, मैं पहले ही कह दूं यहीं पे रुक जा, तो मुझे स्ट्रेस होता है। कोई स्ट्रेस, चुप हो जा। तो खाने में आज आलू की परांठी, मैं वेट कर रहा हूँ गाइस, मेरी अभी बन रही है परांठी, मम्मा बना रहे हैं फटाफट। और ठुमकी इज ऑन हर सुसाइडल मूड, वो इतनी उदास हुई थी जिंदगी में। तो जब भी हम में से कोई घर से बाहर जाता है तो ठुमकी को पता लग जाता है कि कोई जाने वाला है, और ठुमकी उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, उसे सेंटियाँ मारती है पूरी पूरी। और अब बस जब हमारा बैग पैक होने लगे तो ठुमकी अपनी नस काटेगी। मम्मा मेरी टैक्सी भी करानी है आपने? नहीं, कोई छोड़ने नहीं जा रहा मुझे गाइस, मेरे को समझा के थक गया हूँ कि मेरे को, मेरे से चले तो जाओगे, वापस आना बहुत टैक्सिंग हो जाता है। कौन वो क्यों जा रहा है उस पे, क्यों फालतू कर रहे हो प्रेशर? किशो तूने मिस करी बहुत ज्यादा, आई लव यू। चल लैपटॉप खोलना गाइस, शायद किशो का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं यार, इतना टुच्चू है ना, किसी काम का नहीं है ये।
गाइस ये 4 बार जब पूरे होंगे तब मोनेटाइज के अप्लाई होगा। मेरे को ना अचानक से ये मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मुझे अचानक से इतना ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है ना, कल मुझे कनाडा निकलना है और घर छोड़ के जाना है। मैं बता भी नहीं सकता अभी, मतलब मुझे क्या फील हो रहा है ना ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। पहली बार जब मैं निकल रहा था ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, पहली बार था बस पहुंचना है दिमाग में ये था। अभी तो टाइम घर पे रह के अब हम दिखाते हैं कैंचू के लिए क्या लेकर आए हैं। दिस इज एक्चुअली अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा। क्या आया है डाली दिखाओ। भाई तूने मेरे लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट किया है। दिस इज शांचू। ओ मैं भी रो दूंगी यार। दिस इज शांचू ड्रीम ड्रिंक जो भी कह लो। बस क्या अच्छा खोल तो सही। हाँ खोल को देख, मैंने भी देखा। नहीं आई कांट एक्सेप्ट। ओए पकड़िया तो धोकर तो आना हाथ अपने। ये क्या है? अच्छा ब्लू लेबल फैंसी बहुत कहता था। हाँ, इसकी वो ड्रीम वाली वो है। जब हाथों की है ना तो फिर बॉटल पकड़ के खा। फैंसी कहता था ये पता फैंसी कब पिएगा, एक एक बूंद पिलाएगा सबको। कहता इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं जीवन में। तू कोई नहीं सेंटी होता गु। उसको बोलोगे जो आप कंज्यूम कर चुके हो। दिस इज लाइक ड्रीम, दिस वॉज द ड्रीम बॉटल इन माई कलेक्शन। देखो वेलवेट टाइप है सब कुछ, बड़ा स्टाइल है। गाइस मैं अभी एक्सप्रेस ही कर रहा था और अभी मैंने कीशु के फोन से वो वीडियो लेके यहाँ लगाई है। आप समझ रहे हो मेरे इसलिए इतना ज्यादा जाना मुश्किल है, बिकॉज घर घर है यार। मैं इसको मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लूँ मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। और मेरे लिए ऐसा वाला इमोशन तभी आता है जब आई गेट वेरी हैप्पी और लव्ड। सो मुझे बहुत ही कम लाइफ में सरप्राइजेस मिले हैं और मतलब जनरली मुझे पता ही लग जाता है कि कोई क्या कर रहा है कुछ ऐसे करके मेरा दिमाग चल जाता है। बट आई हैड नो आइडिया। अगर मेरे को आइडिया होता तो मैं ऐसे वाले एक्सप्रेशन ही नहीं, मतलब मेरी सोच से भी दूर है। नहीं तुम्हारे कब दिमाग में आया ऐसे? मेरे नहीं इसके दिमाग में आया। कब आया? अभी तो बाय बाय कर रहा था, मैं सो रही थी सोफे पे। नहीं नहीं मैं वहाँ पे पहुंचा, मैंने कहा यार फैंसी जा रहा है तो एक गिफ्ट, मैं यही कहती मैंने तो उसको गिफ्ट देना ही है। मैं कहती दिस इज गिफ्ट फॉर माय साइड क्योंकि उसने तेरा काम शुरू कराया है। ऐसे कौन देता है? हां मैंने बोला, मैंने कहा मैंने तो उसको 3.5 तोला गिफ्ट करना है, तू देख योर कॉल। लिटरली मैंने बोला इसको, तो मैंने कहा सिम्बा चले सर मेरे को भी उठाओ। गो टू मम्मा, गो 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 टू मम्मा बाबू। गाइस ये शॉर्ट्स हैं येगर माइस्टर और ग्रे गूस के। आज से एग्जैक्टली एक साल पहले हम ऐसी मेरी फेयरवेल पे कर रहे थे चेयर्स, मतलब एक साल से कुछ ज्यादा, तब हम बहुत रोए थे। चलो अब हम आज हम नहीं रोएंगे, आज हम नहीं रोएंगे क्योंकि हमको पता 5 महीने बाद डॉली वापस आ जाएगी। चलो चेयर्स टू दैट, लव यू गाइस, चेयर्स बापू। बाबू पियो। नींबू क्यों नहीं है हमारे पास? तुम किसी लायक नहीं हो। बाबू पियो, चलो चलो
चलो चलो चलो चलो चलो मैं नहीं पागल कोई बात नहीं पियो पियो अरे येगर और ग्रेगूस का मिक्सचर था ये इससे पहले घोड़े बैठ के सो रही थी ये अरे मुझे आज मैं ऑफिशियल कुछ कहना चाहती हूँ इन एंड डेढ़ साल के बाद फैंसी गुड ड्रिंक बनाना सीख गया है जब भी मेरी ड्रिंक पीते है तारीफ करती है बट इन एंड दिस इज 10/10 इन एंड तू एक अच्छा वो होस्ट बारटेंडर हो गया अपनी सिस्टर का दोस्तों पार्टी शार्टी होगी है बैक टू बेसिक्स खाना खाएंगे पनीर की भुर्जी लास्ट है और चपाती